यार आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, यू नीड टू स्लोली स्टार्ट गेटिंग सीरियस। एंड व्हेन आई से स्टार्ट गेटिंग सीरियस, अब इसको पता है लोग ऐसे ले लेते हो, आर यू आस्किंग मैं अपना चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय? आई एम नॉट आस्किंग टू डिस्ट्रॉय चाइल्डहुड ब्रो, आई एम जस्ट सेइंग कि एक चीज़ आप ध्यान दो कि आज से 1 साल पहले आप कहाँ थे। 9th की स्टार्टिंग में थे, 8th में थे, राइट? 8th क्लास बहुत छोटी क्लास होती है, लाइक 8th क्लास यू आर अ किड। लेकिन 1 साल बाद आप 10th की एंडिंग में हो गए, एंड इफ़ यू आर इन 10th यू ऑलरेडी आर देयर। एंड उसके थोड़े दिन बाद 11th 12th, तो 11th 12th ऐसे निकलती है और आप कॉलेज में आ गए। कॉलेज ऐसे निकलता है, नाउ यू आर अ ग्रेजुएट, यू हैव अ जॉब, यू हैव अ बिजनेस, यू आर डूइंग रिसर्च, वॉट एवर इट इज़। एक्चुअली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है यार कल आई वॉज इन क्लास 9th और 10th, राइट? सच में आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड इट हैज़ बीन 10 ईयर्स। पॉइंट बींग कि टाइम विल पास वेरी फास्ट एंड यू विल नो लॉन्गर बी द क्लास 9 स्टूडेंट दैट यू आर राइट नाउ, और क्लास 10, तो वॉट एवर क्लास यू आर इन, टाइम विल बी, यू नो, टाइम बीत जाएगा। एंड अभी आपके पास क्या, अभी आप बहुत अर्ली हो, मतलब यू आर लाइक वॉट 14 15 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अ करियर और वॉट एवर इट इज़। एंड आपको पता है इंडिया में करियर बनाने का सबसे बेस्ट एंड ईजिएस्ट तरीका इज़ द एकेडमिक पाथ, राइट? तो आप उसमें भी बहुत अर्ली हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इवन इफ यू पुट इन अ मीडियोकर एफर्ट, इफ़ यू पुट इट इन द राइट डायरेक्शन एंड इफ यू नो वर्क कंसिस्टेंटली, यू कैन गेट एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। मतलब आपके पास डबल टाइम है नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि वो लोग 11th के भी मिडिल में प्रिपरेशन में सीरियस होते हैं। यू हैव 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स एक्चुअली, राइट? यू हैव 3.5 ईयर्स, सो देर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू नॉट बी सीरियस अबाउट दिस, स्पेशली इफ़ यू वॉन्ट अ बिग रैंक। क्योंकि अच्छी रैंक्स अब, मतलब स्पेशली आज के ज़माने में इतना कॉम्पिटिशन हो गया है दैट यू विल ओनली गेट दैट काइंड ऑफ रैंक दैट यू वॉन्ट इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एंड यंग एज। इफ यू डोंट डू दैट अदर्स विल, ओके? सो आई कैन नॉट एम्फसाइज हाउ, इसमें मैं और ज़्यादा एम्फसाइज मुझे नहीं पता कैसे दूँ, बट प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग मोर एंड मोर सिस्टमेटिकली। मतलब मुझे याद है थोड़े दिन पहले एक कोई तो पेरेंट थी, मेरे को कुछ तो उन्होंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम कि उनके सन हु इज़ इन क्लास 9th, ही हैज़ गॉट ओनली 37 मार्क्स इन RMO इन दिल्ली, एंड आई थिंक कट ऑफ कुछ 41 था, आई डोंट नो, जो भी है। बट एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार क्लास 9th में बच्चे RMO जैसे एग्जाम में 40 नंबर लेके आ रहे हैं। अब मुझे पता है मैं भी लाता था उस एज में, लेकिन वेन आई यूज टू डू इट, इट वॉज मच रेयर। मतलब समझ, मतलब आजकल सोचो कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि लाइक, एंड मतलब आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, दैट इज़ माई पॉइंट। आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 11 12 की चीज़ें कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग, यू आर फ्रेंकली बींग लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, नो वन इज फोर्सिंग यू टू। बट JEE 2028 2027, इट विल बी मच 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 हार्डर एंड डिफिकल्ट टू क्रैक देन लेट्स से JEE 2017 विच आई गेव, और 2020 और 2021। इट विल बी मच हार्ड, मच मोर डिफिकल्ट, मच लेस रिलेटेबल, मच लेस, मतलब डिफिकल्ट होंगी चीज़ें। सो यू हैव वन वेपन इन योर हैंड जो सबसे बड़ा वेपन है, विच इज़ द वेपन ऑफ टाइम, प्लीज़ यूज़ इट, ओके? कोशिश करो कि 11th 12th शुरू हो उससे पहले एटलीस्ट 11th की चीज़ें, 12th के बेसिक्स समझ जाओ खुद से, ओके? नहीं करोगे बाकी लोग करके आगे बढ़ जाएंगे, और आगे ना वर्ल्ड बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी होता जा रहा है बिकॉज अच्छा एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि अच्छा IIT की प्रेप करना क्या वर्थ इट है, आजकल हम सुन रहे हैं जॉब्स में ये वो। भाई इट्स नॉट अबाउट अ जॉब, इट्स नॉट अबाउट दैट, द मेन पॉइंट ऑफ IIT इज़ द एक्सेस एंड द क्रेडेंशियल दैट यू गेट फ्रॉम इट। आप IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हो, आपकी एक इंटेलिजेंस लेवल इस्टेब्लिश हो चुकी है दुनिया में क्योंकि आप वहाँ से पढ़े हुए हो, दो वजह से, एक तो आपने JEE क्रैक किया तो आप में वो इंटेलिजेंस था, और आप IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हो, दिल्ली से ग्रेजुएट हो, देन यू हैव एक्चुअली स्टडीड देयर, तो वहाँ पे डिफिकल्ट चीज़ें होती है। IIT इज़ नॉट ईजी भाई, IIT में बहुत डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ाई जाती है, बहुत दे आर स्मार्ट पीपल देयर, राइट? तो IIT में आप जाके ग्रेजुएट हुए, इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट, तो आपको कोई भी किसी भी तरह से अपने साथ एसोसिएट करना चाहेगा, बी इवन इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, इवन इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, इवन इफ़ यू आर अ एम्प्लॉय, इवन इफ़ यू आर अ रिसर्चर, वॉट एवर यू आर, मेन इंपॉर्टेंस IIT का वो, ओके? एंड प्रूविंग दैट यू बिलोंग देयर, लिमिटेड सीट्स हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी ईजी। सो दैट इज माई मैसेज फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ वर्क हार्ड, प्लीज़ स्टडी हार्ड, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट माई JEE 2028 कोर्स फॉर जस्ट ₹5,000। यूजिंग द फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ रैंक लाइक माइन, देन यू शुड गेट दैट कोर्स, ठीक है? सिंपल रैंक चाहिए, देन दैट कोर्स इज नॉट फॉर यू। इफ यू वॉन्ट टू गेट अ टॉप रैंक, देन दैट कोर्स इज फॉर यू। 9th 10th बेसिक से शुरू किया है, 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स पर भी गए, कई चीज़ें मैंने खुद कवर की है, करिकुलम मैंने पूरा डिजाइन किया है, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद देखा हुआ है, एवरी सोल्यूशन आई हैव गॉन थ्रू, एवरी टेस्ट आई हैव गॉन थ्रू, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
ओके सो या और आपको हेल्प चाहिए तो नीचे और भी फ्री रिसोर्सेज मेरे सोशल्स एंड ऑल आर गिवन, यू कैन चेक देम टू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक.